गरीब से उनको कोई लेना देना नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको अब एमएलए नहीं है। वैसे भी वो कैसे मंत्री हैं सो देखिए रहे हैं आप, एक दिन सदन में न जवाब दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में बिहार की नंबर वन पार्टी है। जिन पिछड़ा दलित अति पिछड़ा इन लोगों की वकालत करते हैं उनके लिए एक काम भी नहीं किए। बीजेपी की भूमिका भी सरकार में बदलनी चाहिए। सबसे पहले तो आज मेरी पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। कुछ लोग मुगालते में थे जबकि वो लड़े ज्यादा थे, हम कम लड़ करके अधिक सफलता प्राप्त किए थे। और तीन हमारे पुराने मित्र जो वीआईपी के संबल पर लड़े थे उनकी घर वापसी कल शाम में हुई है। मैं आप सबों को और बिहार की जनता को सभी लोगों को बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में बिहार की नंबर वन पार्टी है। मुकेश सहनी बोले हैं इस्तीफा हम नहीं देंगे, मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है मंत्री बनाना। देखिए नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको अब एमएलए नहीं है, वो संघर्ष का रास्ता चुने हैं। तो मंत्री पद देने में उनको शर्म आ रही है और वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। संघर्ष तो होगा सड़कों पर, मंत्री रहते हुए जनता को जो ठगने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये काम नहीं चलेगा। उनको नैतिकता के नाम पर इस्तीफा दे देना चाहिए और संघर्ष करें। तो बीजेपी बर्खास्तगी की मांग करेंगे मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से, उनका तो समय पूरे है। वैसे भी वो कैसे मंत्री हैं सो देखिए रहे हैं आप, एक दिन सदन में न जवाब दिए हैं। मछुआरा भाई के लिए कल्याणकारी योजनाएं लंबित पड़ा हुआ है उसको नहीं लागू किए हैं। वो जिसका रहनुमाई करते हैं, जिन पिछड़ा दलित अति पिछड़ा इन लोगों की वकालत करते हैं उनके लिए एक काम भी नहीं किए हैं। कितना दिन मंत्रिमंडल में वो अपने कार्यालय में जाकर के बैठे हैं। एक दूसरा सवाल, उनका तो कहना है कि पिछड़ा का बेटा है, हम लोग निषाद के आरक्षण के लिए मांग कर रहे थे और उसी कारण है ये सब। एक दिन नहीं, वो अपने मलाई खाने के लिए बेचैन है। वो गरीब से उनको कोई लेना देना नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो उनका जैसा रहन सहन है बिहार में किसी राजकुमार का रहन सहन नहीं है। वो गरीब को गरीब के नाम पर अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं और गरीबी से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये वो एक काम बता दें जो मछुआरा समाज के लिए किए हैं, गरीब के लिए किए हैं, एक काम बता दें। लगभग 1.5 साल से वो मंत्री हैं। पुतला जेडीयू ने फूंका है, ये पुतला नहीं, वहाँ रजौरा में हिंदू बहुसंख्यक के साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी पर अविलंब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये गलत है, आपस में नहीं होना चाहिए। माननीय गिरिराज जी रजौरा का जो मुद्दा उठाया है, रजौरा में जो बहुसंख्यक समाज पर हिंदू समाज पर अत्याचार अन्याय हुआ है, इसके लिए गिरिराज सिंह बुले हैं और उनका अगर कोई पुतला जलाए हैं तो उनके बुद्धि पर तरस है। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट में। पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।